पुलिस ने देह व्यापार के एक अड्डे पर छापा मारकर भोजपुरी फिल्म की एक आइटम गर्ल सहित कोलकाता की 3 युवतियों को मुक्त करा है। पुलिस ने अड्डे के मुखिया दीपेश उर्फ गगन दिलीप भाई कानापार सतनामी नगर सेंट्रल एवेन्यू को गिरफ्तार किया है। उसका रिहान नामक साथी फरार है। बताया जाता है कि दीपेश काफी समय से देह व्यापार में लिप्त है। उसने रिहान की मदद से 3 युवतियों को कोलकाता से नागपुर बुलाया था। एक युवती भोजपुरी फिल्म की आइटम गर्ल है। मॉडलिंग के साथ वह वेब सीरीज में भी काम कर चुकी है, जबकि अन्य दोनों इवेंट मैनेजमेंट का काम करने का बता रही है। 4 दिन पहले दीपेश ने विमान से युवतियों को नागपुर बुलाया और इसके बाद से उनसे देह व्यापार कर पा रहा था। उसने अभिनेत्री और मॉडल दिलाने का झांसा दिया। इसके क्राइम ब्रांच के SSP को भनक लग गई। उन्होंने डमी ग्राहक दीपेश के पास भेजा। दीपेश ने आइटम गर्ल और एक अन्य युवती का 18,000 रुपए में सौदा किया। उसने गणेशपेट के कृष्णा ओयो होटल में डमी ग्राहक को बुलाया। डमी ग्राहक के इशारा करते ही पुलिस ने छापा मारकर दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। उसके सूचना पर 3 युवतियों को भी मुक्त करा लिया गया है। 3 युवतियों के पहले भी देह व्यापार किए जाने का संदेह है। एक युवती दूसरी मर्तबा नागपुर आई है। दीपेश पहले होटल चलाता था, बाद में इस कारोबार से जुड़ गया। उससे पहले भी 2 मर्तबा पकड़ा गया है। वह पीड़ित युवतियों को हर ग्राहक पर 2500 रुपए देता था। दिनांक 8/4/2021 रात्रो पुलिस आमच्या नागपुर शहर क्राइम ब्रांच च्या SS ब्रांच ने कृष्णा हॉटेल मध्ये कारवाई केली आणि 3 पीडित महिलांना सुटका करून त्यांना आपण आता वसतिगृहात दाखल केलेलं आहे आणि त्यामध्ये 1 आरोपी अटक केलेला आहे, ज्याचं नाव आहे दीपेश गगन कानाबार, जो गणेशपेठ हद्दीतच राहणारा आहे, आणि दुसरा आरोपी एक वॉन्टेड आहे, तो अद्याप मिळालेला नाही, त्याबाबत तपास चालू आहे। ग्राहक या आरोपीसोबत आणि जो पाहिजे आरोपी आहे त्याच्यासोबत कॉन्टॅक्ट करत होते आणि तो व्हॉट्सअपवर यांचे फोटो पाठवून हा व्यवसाय करत होता। अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।